एक महासमुंदर के बीच में एक टापू था। उस टापू में एक बड़ी जेल थी, उसमें बहुत कैदी थे। वहां के जेलर का नाम सरदार था। वो बड़ा भ्रष्ट अधिकारी था। जेल में रहने वाले अमीर कैदियों को दारू, सिगरेट और नशीले पदार्थ भी सरफरा करता था। उन्हें फोन भी लाकर देता था। उसके लाए चीजें लेकर वो लोग तुरंत सरदार के फोन को पैसे भेजते थे। ये देखकर सरदार खुश होकर, साहब आपको और कुछ चाहिए तो बोलो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा सिवाय लड़की के। बोलिए सर, आपको क्या चाहिए, यूं कहता था। उस जेल को खैदी आना हो तो पहले एक प्रिजनर बस में उस समुन्दर के किनारे तक आना पड़ता था। बाद में वो बस एक शिप में उस टापू तक पहुंचती थी। वहां से वो बस गेट को पार करके जेल तक आती थी। सारे कैदी बस उतरकर सरदार को नमस्कार करते थे। हर महीने उस जेल को एक हेलीकॉप्टर आता था। वो सीधे आकर बिल्डिंग पे लैंड होता था। उसमें से महीने भर का राशन वहां मौजूद पुलिस गार्ड्स कैदियों की मदद से नीचे उतारते थे। एक बार एक प्रिजनर बस आई, उसके अंदर से विक्रम नाम का एक युवक उतरा। सब सरदार को नमस्कार किए मगर विक्रम नमस्कार नहीं किया। सरदार तब, क्या रे चर्बी चढ़ी है क्या या सींग आए हैं, नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो, कहा। विक्रम तब, मैं क्यों नमस्कार करूं, तुम मेरे ऊपरी अधिकारी नहीं हो, मैं यहाँ सजा काटने के लिए आया हूँ, तुम्हें सैल्यूट करने के लिए नहीं, कहा। बस सरदार गुस्से से विक्रम को मारकर, तुम्हें कितना घमंड है रे, तुम्हें इस जेल में नरक दिखाऊंगा, चलो, कहते हुए लात मारा। विक्रम तब, देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, मार दोगे बस उतना ही ना, मैं मरने से नहीं डरता, कहा। उस दिन से सरदार विक्रम को टॉर्चर करने लगा, उससे बड़े बड़े पत्थर मरवाने लगा। खाने के पास खड़े होकर ठीक विक्रम की बारी आए जब लाठी से उसे रोककर खाना खत्म हुआ है कहकर बोलता था। जब विक्रम सेल में सोता तब सरदार लाठी से गेट पे जोर से मार के उसे उठाता था। एक बार ऑफिस में एक गार्ड सरदार से, सर उसे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हैं सर, उस बेचारे को छोड़ दीजिए सर, कहा। तो सरदार उसे एक खींच के मारा और, वो कैसा इंसान है भाई, कितना मारे तो भी कुछ कहता ही नहीं, वो कौन है, जाकर उसकी फाइल लेकर आओ, कहे तो वो जाकर एक फाइल लाकर दिया। सरदार उसमें ढूंढकर, ये क्या भाई, परसों आए कैदियों के लिस्ट में इसका नाम ही नहीं है, ये कैसे मुमकिन है, वो कहाँ है, देखते हैं चलो, कहा। इतने में हेलीकॉप्टर आकर उस जेल के ऊपर लैंड हुआ। विक्रम भी सबके साथ मिलके सामान उतार रहा था। सरदार वहाँ पर आकर, ए तुम कौन हो, तुम्हारा नाम कैदियों के लिस्ट में नहीं है, तुम यहाँ कैसे आए, शराफत से सच बताओ, कहकर पिस्टल निकाला। विक्रम तब, मिस्टर सरदार मैं इस देश के सारे जेलों का मुख्य अधिकारी हूँ, जेल का मेंटेनेंस कैसा है, जेल में ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, ये पता करना ही मेरा काम है, इसलिए कैदी के भेस में यहाँ पर आया। तुम्हारे काले करतूतों को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, सीधे जाकर तुम्हें नौकरी से निकालना ही बाकी है, यूँ कह रहा था तभी वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ा। सरदार तब, ये क्या ऑफिसर, आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, आप यहाँ से बाहर गए तो ही ना मेरी नौकरी जाएगी, तुम्हें यही मार के समुंदर में डाल दूंगा, कहते ही विक्रम उसके पिस्तौल को एक लात मारकर हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया, वहाँ से बचकर निकल गया। ऐसे वो हेलीकॉप्टर समुंदर के ऊपर से चला गया। कोर्ट में जज विक्रम के दिए सबूतों को देखकर सरदार को कड़ी सजा दिए। ऐसे सरदार उसी जेल में कैदी बना।